मोटो जीपी में 7 वेंस, 18 पोडियम्स और 3 पोल पोजीशंस के साथ केटीएम RC16 एक इम्प्रेसिव रेसिंग बाइक है। हैनेसन रैली क्रॉस कार, फोर्ड WRC कार और फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के अगेंस्ट ड्रैग रेस में केटीएम RC16 की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। रेस की स्टार्टिंग में अपने इनसेन एक्सलरेशन की वजह से हैनेसन रैली क्रॉस कार सबसे आगे निकल गई, पर जल्दी ही केटीएम RC16 ने उसे ओवरटेक करते हुए फर्स्ट पोजीशन गेन कर ली। कुछ सेकंड्स बाद रेडबुल RB8 फॉर्मूला 1 कार ने दूसरी कार्स को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन अचीव की, लेकिन फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले वो केटीएम RC16 को बीट नहीं कर पाई। 1000cc 4 सिलेंडर इंजन, 270 HP की पावर और 157 किलोग्राम वेट के साथ KTM RC16 एक सुपरफास्ट मशीन है, पर क्या ये 380 HP वाली सुपरचार्ज्ड हायाबूसा को बीट कर सकती है? कारवाओ की इस ड्रैग रेस में KTM RC16 के अगेंस्ट ही TTS सुपरचार्ज्ड हायाबूसा जो 380 HP की इनसेन पावर प्रोड्यूस करती है। साथ ही इस रेस में $2.2 मिलियन यानी कि 18 करोड़ की ऑल इलेक्ट्रिक सुपरकार रिमैक नवेरा भी थी। रेस की शुरुआत में ही रिमैक नवेरा और केटीएम RC16 हायाबूसा से काफी आगे निकल गए। 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ 1914 HP की इनसेन पावर और 2360 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली रिमैक नवेरा ने केटीएम RC16 को टफ कंपटीशन दिया, पर अल्टीमेटली अपने लाइट वेट की वजह से केटीएम RC16 ने फिनिश लाइन पर पहले पहुंचकर रिमैक नवेरा को बीट कर दिया। ऐसी ही थ्रिलिंग ड्रैग रेसेस और मोटर स्पोर्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Snap, crack a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.